दिया है। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी अभी अभी नगर कीर्तन भी कह रहे हैं यहाँ से, हम लोगों ने सबने देखा था स्कूल में, उनके 550 साल के प्रकाश पर्व के अवसर में शाहजहानपुर गुरुद्वारा श्री कुटिया साहब से कुछ कंपटीशन राइटिंग के आप लोगों को सभी को पहले स्कूल में बताया गया था, उसमें से कुछ बच्चों ने लिख के अपनी नोटबुक्स वगैरह सबमिट किए थे, उन्हीं को आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। लिखना था, साथ में जपना था, जो भी जून में था, लेकिन अपने स्कूल में आज हो रहा है। जो बच्चों ने लिख के सबमिट किया है उनको आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा और वो इस प्राइज को नेक्स्ट ईयर जैसे ही होता है जून में दोबारा होगा, तो इस लेवल के अकॉर्डिंग कि आज अगर हमारे पास 30 से 40 स्टूडेंट्स इस प्राइज को गेन कर रहे हैं तो होप है कि नेक्स्ट टाइम ये बच्चे कम से कम 200 से 300 होने चाहिए, आई थिंक 100% होने चाहिए जितने हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मिलता है। इसी के अकॉर्डिंग मैं रेस्पेक्टेड श्री कोमल सिंह जी को इनवाइट करना चाहूंगा जो आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे, जो आपको शाहजहानपुर से आए हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में एक बार फिर से बोलेंगे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सारे बच्चे एक बार प्यार विच फतेह बुलाओ, वाहेगुरु जी का खालसा। आप पंजाबी समझते हो हिंदी? पंजाबी समझ लेते हो सारे बच्चे? हर बच्चा या मैं हिंदी बोला? हिंदी बोला ठीक। आप जितने भी बच्चे बैठे हो आपको सबको पता है जो यहाँ पर तकरीबन 800 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और हर धर्म का है, सिख धर्म के बच्चे भी हैं, हिंदू धर्म के भी, इस्लाम धर्म के भी। तो तकरीबन 4-5 साल से बड़े ध्यान नाल सुनियो सारे, पीछे लेकिन जितने बच्चे हैं या अंदर जो बैठे हैं सारे बड़े ध्यान नाल सुनियो, तकरीबन 4-5 साल तो जो बाबा जी की कृपा, गुरु साहिब जी की कृपा समागम होते ने, और पिछली बार बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से तकरीबन 30-35 बच्चों को हम लोगों ने गुरुद्वारे के अंदर सत्कार दिया था, इनाम दिया था। तो उससे पहले भी जो गुरुद्वारे में इनाम दे चुके हैं, इस बार यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो बच्चे पार्टिसिपेट करना शुरू करें, ठीक है जी। जितने भी बच्चे सुन रहे हो अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो बाद में आप पूछ सकते हो, आपको कुछ ना समझ में आए तो आप बाद में पूछ सकते हो। एक जो आपको जैसे आपके सर बता रहे थे कि गुरु नानक देव जी जो पहले गुरु हैं, बड़े आप ध्यान से सुनो, जो हमारे पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, जिनका 550 साल आगमन दिहाड़ा आ रहा है, जन्म दिहाड़ा आ रहा है, आप सबको पता है, किसको पता है, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे कि गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था। एक बच्चा कोई भी आगे आ जाए जिसको पता है, अपने आप उठ के आ जाओ, कोई बच्चा एक आ जाओ, एक बच्चा आ जाओ, आ जाओ। मैंने सवाल किया गुरु नानक देव जी का जन्म आगमन कौन सी जगह पर हुआ, कौन से स्थान पर हुआ है, वो छोटी बच्ची आपको बताएगी। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान रायपुर की तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान विच होया सी। शाबाश, बोले सो निहार, कैपिंग नहीं करनी, जयकारा बोलना है, ठीक है जी, धार्मिक चीज चली ना, नाल जयकारा छड़ना है। तो आप सबको पता होना चाहिए, जैसे आप सारे बैठे हो ना, तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म है, जो आगमन है, वो श्री ननकाना साहिब जो अब पाकिस्तान में, जैसे आपने थोड़े दिन पहले यहाँ से जो यात्रा निकली है उसके दर्शन किए होंगे,
ठीक है जी, तो मैं आपका जारा सामान आ लूं। जैसे आपको सर बता रहे थे गुरु नानक देव जी के 550 साल आगमन दिन को समर्पित जो बीबी कौला जी भलाई केंद्र भाई सब भाई गोरखबाल सिंह जी, अब आप घर पे जाना तो शाम को तकरीबन 5 बजे चढ़दी कला टाइम टीवी पे भाई गोरखबाल सिंह जी का कीर्तन आता है। अगर आपके यहाँ टीवी लगी है तो आप जाके देखना, जिन्होंने गिफ्ट भेजे आपको उनका कीर्तन आता है चढ़दी कला टाइम टीवी पे, शाम को 5 बजे कीर्तन आएगा। आज अपने घर पे जाके देखना, उन बाबा जी ने आपके लिए गिफ्ट भेजे सारे बच्चों के लिए जिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सुबह भी उनका कीर्तन आता है डीडी पंजाबी पे, आप अपने मम्मी को पापा को अपने पेरेंट्स को बताओ, ठीक है जी। गुरु नानक देव जी के 550 साल आगमन दिन को समर्पित बीबी कौला जी भलाई केंद्र जो अमृतसर में है, उनकी अलग अलग जगह यूनिट है, शाहजहानपुर में भी एक यूनिट है जिसका नाम है बीबी कौला जी गुरमत सेवक जत्था, ठीक है जी। उसकी तरफ से जो जून में हर जून में समागम होता है तो हर सिमरन वीर जी है वो वहां पर आके सारे बच्चों का इनाम भी लेके जाते हैं। इस बार हम स्पेशल यहाँ पर इसलिए आए हैं कि आप सब तक मैसेज पहुंचे, अगली बार आप और पार्टिसिपेट करो और बच्चे आगे आओ। तो ये जो स्कूल है श्री गुरु अर्जन देव जी पब्लिक स्कूल मैगलगंज, जो यहाँ सारी बाबा जी सेवा कराते हैं, बाबा हरबंस सिंह जी जो अब नहीं है शरीर करके कार सेवा वाले बाबा जी, अब बाबा बचन सिंह जी, बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वाले जो सारी सेवा करा रहे हैं मौजूदा महापुरुष, और बाबा गुरजंड सिंह जी नानकपुरी टांडा वाले जो यहाँ के प्रबंधक है स्कूल के, बाबा लखविंदर सिंह जी जो यहाँ गुरुद्वारे के जत्थेदार जी हैं, और बाबा पूरन सिंह जी हेड ग्रंथी प्रिंसिपल, श्री गजेंद्रपाल सिंह जी यादव वाइस प्रिंसिपल, सरदार गुरपाल सिंह जी, हर सिमरन वीर जी ते भाग सिंह वीर जी ते अवतार सिंह शैबी वीर जी, ये सारे जिन्होंने पूरा सहयोग जिन्होंने पूरा साथ लिया है। अब सारे बच्चों को बेनती है, एक बार मैं फिर बोल देता हूँ फिर सुन लो, जो श्री गुरु अर्जन देव जी पब्लिक स्कूल मैगलगंज तकरीबन 800 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और ये जो फेसबुक पे लाइव भी जा रहा है, फेसबुक पे लाइव करने का मतलब ये जहां जहां तक हमारा लिंक है वहां तक मैसेज पहुंचे। हमारा एक अपना चैनल है बीबी कौला जी सिख टीवी यूट्यूब पे, उस चैनल में भी ये आपका जो सारा लिंक जो सारा लाइव जा रहा है इसको बाद में लेके फिर बीबी कौला जी सिख टीवी जो चैनल है उस पर डाल दिया जाएगा, आप सब बच्चों का जो है हर जगह तक पहुंच जाएगा। भाई से भाई गुरिकबाल सिंह जी उनके पास भी शाम तक आपकी सारी क्लिप पहुंच जाएगी। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ श्री गुरु अर्जन देव जी पब्लिक स्कूल मैगलगंज, बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा वाले दिल्ली वाले जो बाबा जी हैं, उनके जो बरसाए बाबा जी इस समय बाबा बचन सिंह जी, और बाबा गुरजंड सिंह जी जो नानकपुरी टांडा वाले हैं प्रबंधक इस स्कूल के जो सारा सेवा संभाल कर रहे हैं, बाबा लखविंदर सिंह जी गुरुद्वारे के जथेदार जी, हेड ग्रंथी बाबा पूरन सिंह जी, प्रिंसिपल श्री गजेंद्रपाल सिंह जी यादव, वाइस प्रिंसिपल सरदार गुरपाल सिंह जी, जो हरसिमरन वीर जी, भाग सिंह वीर जी, अवतार सिंह सभी वीर जी जिन्होंने सारा साथ दिया है, और तकरीबन आप में से 30 या 35 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उनको अब यहाँ पर गिफ्ट दिया जाएगा, जो यहाँ के बाबा जी हैं वो भी प्रिंसिपल भी वाइस प्रिंसिपल सारे मिलकर आपको जो है एक एक करके नाम बुलाया जाएगा, वो हर सिमरन वीर जी या पाक वीर जी आपको बोलेंगे तो एक एक बच्चा आगे आ जाएगा अपना गिफ्ट लेके जाएगा। जिन्होंने ज्यादा लिखा है उनको लैपटॉप वाला बैग दिया जाएगा, जिन्होंने कम लिखा है उनको छोटा इनाम दिया जाएगा। लिखना क्या था वाहेगुरु वाहेगुरु। अब एक चीज और सुन लो आप, अगर कोई सिख बच्चा है तो वो वाहेगुरु वाहेगुरु लिख सकता है, भले इंग्लिश भले ही पंजाबी भले ही हिंदी लैंग्वेज में लिखे। अगर कोई हिंदू धर्म का बच्चा है अगर आपका मन करे तो वाहेगुरु लिखो, अगर आपका मन नहीं करता है तो आप राम राम भी लिख सकते हो, आपके लिए छूट है। अगर कोई हिंदू बच्चा राम राम लिखना चाहता है या जय श्री राम लिखना चाहता है या कोई भी आप जिस देवता को या जिस भी भगवान को मानते हो उसका नाम लिख सकते हो। ऐसे ही इस्लाम धर्म का जो भी बच्चा है अगर आप चाहो तो वाहेगुरु वाहेगुरु लिखो, अगर आपका मन करता है कि वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं लिखना
तो आप अपने धर्म का जो भी आप जपते हो, चाहे अल्लाह अल्लाह लिख सकते हो, चाहे जो भी आप चाहो वो लिख सकते हो, आपको छूट है। और जून 2020 इस समय 2019 चल रही है ना, जून 2020 डेट आपके हरसिमरन मीर जी प्रिंसिपल सर को और सबको बता दी जाएगी। इस समय खाली आपको महीना बताया जा रहा है। जून 2020 में सारे बच्चों ने आज से ही लिखना शुरू कर दो, जैसे आपको होमवर्क मिलता है ना, रोज एक पेपर, दो पेपर, पांच पेपर, या जितने ज्यादा से ज्यादा पेपर लिख सकते हो आप लिखो, एक रजिस्टर खरीद लो और उसमें रोज लिखो। जून 2020 में कॉपी जमा होगी आपकी शहजादपुर में। और जो बच्चा ज्यादा लिखेगा, जैसे हम लोगों ने 1,25,000 के इनाम दिए थे, उसमें पहला इनाम गोल्ड मेडल था, सोने का मेडल तकरीबन 8,000 का। तो जो बच्चा सबसे ज्यादा लिखेगा, हो सकता है आप में से ही कोई बच्चा आ जाए जिसको गोल्ड मेडल मिल जाए। ऐसे ही तकरीबन 13 या 21 इनाम होते हैं बड़े, वो कैटेगरी के हिसाब से छोटा इनाम हर बच्चे को। जो छोटा इनाम है तकरीबन 21,000 बार वाहेगुरु वाहेगुरु लिखना है, या 21,000 बार जो जाप लिख रहे हो वो लिखना है। तो इस बार लैपटॉप बैग दिया गया था, अगली बार जो भी गिफ्ट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। ये भी आपके जो बेनती की है आपको, एक जो बड़े बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, ये इश्तिहार हम लेके आए, ये इश्तिहार आप लेके जाना, इसकी फोटो स्टेट यहाँ पर नीचे लगा दी जाएगी। व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप अपनी मम्मी को, पापा को, या जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनको बता सकते हो। इसमें जपजी साहब, सुखमनी साहब, चौपाई साहब, गुरमंत्र, मूल मंत्र और तकरीबन 10 ग्रुप है जिसमें आप ऐड हो सकते हो। इस पे नंबर लिखा हो, कुछ नहीं समझ में आएगा आप बाद में फोन पे भी पूछ सकते हो। अगर आपको नॉलेज हो तो YouTube पे एक चैनल है बीबी कॉलर सिख टीवी, उसको लिखो और उसको सब्सक्राइब करो। ये जो आपका लाइव जा रहा है, इसको लाइव के साथ साथ ये इसको एडिट करके फिर बीबी कॉलर सिख टीवी चैनल पे डाल दिया जाएगा, आप उसको भी देख सकते हो। अब मैंने इतनी ही रिक्वेस्ट करनी थी आपके चरणों में, और आप जो है जून 2020 तक ये दोबारा लिखना शुरू कर दो। अब हरसिमरन मीर जी और भागवीर जी उन्होंने बेनती हो कि आ जाए, जो बच्चा की लिस्ट है ये नाम बोलेंगे इधर से प्रिंसिपल सर और जो भी इनके पतवंते सज्जन, जो भी जथेदार जी हैं, वो सब आगे आ जाएंगे। फिर नाम बोला जाएगा, जिनका बैग है, जिसका नाम बोला जाएगा, वो बच्चा आगे आ जाए, अपना बैग लेके अपनी जगह पे चला जाए। जिस बच्चे का छोटा इनाम है वो नाम बोला जाएगा, आप अपना गिफ्ट लीजिए और अपनी जगह पे चले जाइए। ठीक है जी, अब प्रिंसिपल सर को बेनती है वो भी आगे आ जाए, और जो जथेदार जी है वो भी आगे आ जाए, वाइस प्रिंसिपल सर उनको भी बेनती वो भी आगे आ जाए। सारे रल मिलकर यहाँ पर खड़े होके सत्कार देंगे। इधर से अनाउंसमेंट होगा, हरसिमरन मीर जी और भागवीर जी अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन से बच्चे का कौन सा गिफ्ट है। इधर बाबा जी और सारे रल मिलकर हम गिफ्ट यहाँ पर इकट्ठा देंगे। और आप सबने किसी ने भी शोर नहीं मचाना, जिस बच्चे को गिफ्ट मिलेगा, सुनो बड़े ध्यान, जिस बच्चे को गिफ्ट मिलेगा आपने ताली नहीं बजानी, जयकारा छोड़ना है। ठीक है जी, हम बोलेंगे या फिर आप बोलोगे बोले सोनिहाल सच ये गल, ताली नहीं बजानी। ठीक है जी, जब कोई स्कूल का फंक्शन है, कल्चर फंक्शन है, तब आप तालियां बजाओ, इस समय धार्मिक फंक्शन है, इस करके जयकारा छोड़ना। ठीक है, सबको समझ आ गया। वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसा अभी इन्होंने बताया सर जी ने कि हमें लिखना है, जून 2020 में दोबारा सबमिट होगी, जो जो भी लिखेंगे उन्हें फिर गिफ्ट मिलेगा। लेकिन एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जो भी जाप लिखना है, वाहेगुरु लिखना है, राम लिखना है, हाथ धो के, स्वच्छ हो के, नंगे पैर और बड़े श्रद्धा के साथ लिखना है। और ये घर पे बैठ के लिखना है अपने खाली समय में या समय निकाल के, ऐसा नहीं है कि स्कूल में भी आप लिख रहे हैं। और जो भी जाप लिखना है वो नंगे सर नहीं लिखना है, सिर ढक के बड़ी श्रद्धा और बड़े प्यार से जपना है। ठीक है, अब मैं नाम अनाउंस करने जा रहा हूं। पहला इनाम जसप्रीत को 7th क्लास, इनको लैपटॉप बैग दिया जा रहा है। इधर देखो बेटा, इधर बोले सोने हाँ। सारे बच्चे बोलो जयकारा।
बोले सोनिहार प्रभजोत कौर फिफ्थ ए परमिंदर सिंह हाँ जी लैपटॉप बैग बोले सोनिहाल रविंदर सिंह परमिंदर सिंह बोले सोनिहाल कृपाल सिंह फिफ्थ लैपटॉप पैम बोले सोनिहाल हरप्रीत सिंह फोर्थ ए लैपटॉप पैम बोले सोनिहाल रमनदीप कौर सिक्स क्लास लैपटॉप है रमनदीप सिक्स क्लास शिवम सिंह सिक्स क्लास शिवम सिंह लैपटॉप शिवम सिंह बैग बोले सोनिहाल वरुण यादव लैपटॉप बैग वरुण यादव बोले सोनिहाल नाजुक प्रीत को सिक्स लैपटॉप बैग बोले सोनिहाल प्रभजोत कौर फिरते लैपटॉप बैन प्रभजोत कौर है प्रभजोत कौर फिफ्थ सर हो गई बच्ची वो हो गया चलो जसविंदर सिंह बैर दूसरे जसविंदर सिंह जसविंदर सिंह लुक बोले सोनिहाल प्रदीप कौर सेवन क्लास सिंह बोले सोनिहाल अंशिका सिंह सेवन क्लास सिंह गुरजिंदर कौर सेवन क्लास सिंह बोले सोनिहाल अवनीत कौर फिफ्थ क्लास सिंह बोले सोनिहाल बेअंत सिंह फिफ्थ क्लास सिंह
सुवेद सिंह फोर्थ क्लास छिंद बोले सोनिया हरमनप्रीत सिंह फोर्थ क्लास हरमनप्रीत सिंह शील बोले सोनिहाल निधि बाबा फोर्थ क्लास निधि बाबा शील्ड बोले सोनिहाल सुखप्रीत कौर फोर्थ शील्ड धर्मप्रीत कौर फोर्थ शील्ड नेक्स्ट गगनप्रीत कौर बोले सोनिहाल गगनप्रीत कौर शील्ड फोर्थ क्लास बोले सोनिहाल मनप्रीत सिंह थर्ड क्लास शील्ड मनप्रीत सिंह सुखराज सिंह बोले सोनिहाल सुखराज सिंह छोटा प्राइज सोनिहाल नवप्रीत कौर सिक्स क्लास छोटा प्राइज बोले सोनिहाल जशनप्रीत कौर सिक्स क्लास जशनप्रीत प्राइज प्लस काउंटर बोले सोनिहाल अंश श्रीवास्तव अंश श्रीवास्तव गोपाल पांडे प्राइज प्लस काउंटर अंश श्रीवास्तव बोले सोनिहाल गोपाल पांडे प्राइज प्लस काउंटर बोले सोनिहाल विशाल रत्न प्राइज प्लस काउंटर सुजीत कुमार बोले सोनिहाल सुजीत कुमार प्राइज प्लस काउंटर बोले सोनिहाल सुखमीत कौर फर्स्ट ए
गुरविंदर ने गुरविंदर कौर यूकेजी प्राइज प्लस काउंटर हरसिमरन सिंह के बच्चे सर जी हरसिमरन सिंह ने दो पांच सौ चौंती बोले सोनिहाल जसमीत कौर जो बच्चे हमारे स्कूल के बाहर भी थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं लिख सकते हैं जसमीत कौर प्रभजोत कौर एंड करमजोत कौर अंश गुप्ता शील्ड है जी अंश गुप्ता की नाम बेटा आप लोगों ने देखा कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उन्हें एक अच्छे प्राइज मिले हैं तो जैसे ही अभी आपको बताया नेक्स्ट ईयर जून 2020 में दोबारा ये प्रोग्राम है तो आप लोग सभी पार्टिसिपेट कीजिए जैसे कि आप सभी को प्राइज दिया जाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सरदार कोमल सिंह से कि वो आके आपको सारे बच्चे बोलो वाहेगुरु 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 सारे टीचर्स भी बोलो नाल नाल बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
वाहे गुरु। सारे बच्चे बोलो और सारे बड़े भी बोलो, बोलो वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। उन कोई बच्चा गाल नहीं करेगा, बातें नहीं करोगे आपस में। मैं आपको एक छोटा सा जिक्र, छोटी सी एक जो एक होता है ना बिल्कुल सच्चाई, आपको सच्चाई वाली बात सुना रहा हूँ बच्चों के ऊपर। सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले जिन जिन बच्चों को ये काउंटर मिला है, ये काउंटर है, इस काउंटर का काम क्या है, इस काउंटर को आप निकालो। निकालने के बाद इसको आप अंगूठी की तरह अपने जो है उंगली में पहन सकते हो, ठीक है जी। इसमें एक बड़ा बटन है, जिसको काउंटर मिला है उनके लिए है, और जिसको चाहिए हो वो बाद में जितने हमारे पास है दे सकते हैं जो जपना चाहे। ये बड़ा जो इसमें बटन है, इसका एक बार प्रेस करोगे तो एक बार प्रेस करने के बाद ये एक बटन दबेगा, ठीक है जी। जैसे आपने बोला है वाहेगुरु, एक बार दबा लिया वाहेगुरु, 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 ये बढ़ता जाएगा। जो छोटा वाला बटन है उससे जीरो हो जाता है, ठीक है जी। इस काउंटर का मतलब है जितनी ज्यादा से ज्यादा बार आप वाहेगुरु वाहेगुरु जप सकते हो वो जपो। जो बच्चा जपेगा वाहेगुरु, जैसे मैंने आपको बताया व्हाट्सएप में ग्रुप बनाओ वाहेगुरु वाला ग्रुप भी, उसमें आप अपनी गिनती डाल दो और वो गिनती आपकी ऐड हो जाएगी। फिर जो गुरु नानक देव जी का 12 नवंबर 2019 में आगमन दिहाड़ा आ रहा है, जन्म दिहाड़ा 550 साल, आपका एक जो डिपॉजिट है गुरु नानक देव जी के चरणों में वो जमा हो जाएगा, ठीक है जी। आपके जो चरणों में ये एक बेनती कर दी। अब मैं आपको एक चीज सुनाने जा रहा हूँ, वो बड़े ध्यान से सुनो सारे बच्चे, फिर आपकी छुट्टी का टाइम भी हो रहा है, आप बड़े ध्यान से सुनो। एक डॉक्टर अयूब खां हुए हैं, बड़े ध्यान से सुनना सारे बच्चे। डॉक्टर अयूब खां एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जैसे इंडिया है ना, आप इंडिया में रहते हो, भारत में रहते हो, तो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी है और प्रेसिडेंट भी है। किस बच्चे को पता है हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे भारत का इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? वहीं से बोल दो खड़े होके, कौन है? ठीक है जी, नरेंद्र मोदी है ना। वैसे ही बैठ जाओ, पाकिस्तान एक जो देश है वहां के प्रेसिडेंट हुए हैं डॉक्टर अयूब खां। बड़े ध्यान से सुनना सारे बच्चे, आपके लिए ये बात और ये सच्ची बात है, उन्होंने अपने आप लिखी है डॉक्टर अयूब खां ने। डॉक्टर अयूब खां जब छोटे थे ना आपकी तरह, जैसे कोई बच्चा फर्स्ट में पढ़ता है, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, कोई फोर्थ में, कोई फिफ्थ में, तो जब वो छोटे थे ना तो वो पढ़ाई में कमजोर थे। कई बच्चे आप में से पढ़ाई में कमजोर होंगे, ठीक है, आपको पनिशमेंट भी मिलता होगा, मार भी पड़ती होगी, होमवर्क मिलता होगा तो करके नहीं लाके होते होंगे, या कोई अपना लेसन याद करते होंगे तो लेसन याद नहीं होता होगा, या कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता होगा। तो डॉक्टर अयूब खां छोटी उम्र के थे तो उन्होंने पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, तो जिस गांव में जिस पिंड में वो रहते थे उस पिंड में उस गांव में एक गुरुद्वारा था, जैसे आपके यहाँ गुरुद्वारा है ना वैसे ही वहां पर एक गुरुद्वारा था। तो एक दिन वो स्कूल में नहीं गए, वो गुरुद्वारे में जाके छुप गए। जब गुरुद्वारे में छुपे तो वहां के जो ग्रंथी जी थे ना, जो अरदास करते हैं ग्रंथी जी, जो हुक्मनामा लेते हैं, उन्होंने बड़े प्यार से डॉक्टर अयूब खां को पूछा, अयूबा तू यहाँ पर क्यों बैठा है, स्कूल में क्यों नहीं गया? तो उन्होंने थोड़ा सा रोते हुए बोला कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, मैं जाता हूं तो मेरे मैडम, मेरे सर मेरे को मारते हैं, मैं उनकी मार की डर से स्कूल नहीं गया, मैं यहाँ पे आके छुप गया। जो मैं आपको जिक्र सुना रहा हूं ना, ये उन्होंने आप अपने आप लिखा है, फ्रेंड्स नॉट अ मास्टर एक किताब है उसके अंदर, और SGPC जो हमारी कमेटी, उन्होंने भी लिखा है मूल मंत्र की बढ़ियाई में। बड़े ध्यान से आप सुनना, ये बच्चों के लिए, आप सब बच्चों के लिए, कि उन्होंने जब कहा कि मेरे को मार पड़ती है मैं इसलिए स्कूल नहीं गया, तो फिर उस ग्रंथी सिंह जी ने बड़े प्यार में कहा, क्या कहा, कि अपने बैग में से एक कॉपी निकालो, एक पेन निकालो, जैसे आपके बैग में कॉपी पेन होता है ना, तो आप लिखते हो कुछ ना कुछ, जैसे आपको होमवर्क मिलता है, सर कहते हैं मैडम कहते हैं लिखो होमवर्क तो आप लिखते हो, वैसे ही उस ग्रंथी सिंह ने बड़े प्यार से कहा अपनी कॉपी और पेन निकालो। उस ग्रंथी सिंह ने एक चीज लिख के दी,
वो क्या चीज लिखे थी, वो सारे बच्चे लर्न कर लो, वो सारे बच्चे जाप किया करो उस चीज का। वो क्या लिख के दिया, उन्होंने लिख के दिया, सारे बच्चे बोलो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरुप्रसाद जप आज सच जुगा सच है भी सच नानक होती भी सच। ये पूरा मूल मंदिर का जाप उस ग्रंथी सिंह ने डॉक्टर अयूब खां को दिया। डॉक्टर अयूब खां इस्लाम धर्म के हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हेजिटेशन नहीं की, उन्होंने लिख लिया, उसको रट लिया, सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते उसका जाप करना शुरू कर दिया। जब दो दिन बाद स्कूल गए ना, दो दिन स्कूल नहीं गए डर के मारे, दो दिन बाद स्कूल गए तो जो टीचर उनको थप्पड़ मारता था वही टीचर बड़े प्यार से गाल में हाथ फेर के कहता है अयूबा तू पढ़ाई में कमजोर है। कई बच्चे पढ़ाई में कमजोर है ना, तो पढ़ाई में कमजोर अगर हो तो कोई ना कोई जाप, अगर जैसे मैंने आपको कहा कोई हिंदू है तो चाहे राम राम जाप करना शुरू कर दो, कोई इस्लाम धर्म का है तो अगर आप अल्लाह अल्लाह करते हो तो अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दो, कोई सिख धर्म का है तो पावे वाहेगुरु वाहेगुरु या मूल मंत्र का जाप शुरू कर दो, लेकिन करो जरूर, पावे पांच मिनट पावे दस मिनट करो जरूर। जब तुम इतने आते हो ना, जब यहाँ से जाते हो तो अगर आपके पास टाइम होता है तो गुरुद्वारे में मथा टेक के जाया करो, जब आते हो टाइम होता है तो गुरुद्वारे में मथा टेक के आया करो, ठीक है जी। तो उन्होंने जाप करना शुरू कर दिया, तो जब जाप किया, जाप करने के बाद दो दिन बाद वो टीचर बड़े प्यार से कहता है तू पढ़ाई में कमजोर है पढ़ाई किया कर। उनके आंखों में आंसू आ गए, कहते जो टीचर मेरे को मारता था वो टीचर आज मेरे को प्यार करता है, कृपा किसकी हुई जो उन्होंने जाप लिख के दिया था एक ओंकार से लेकर नानक होती भी सच तक। फिर वो हल्के हल्के बड़े हुए, बड़े होते होते वो प्रेसिडेंट बने कहा के पाकिस्तान के। तो उनका एक दोस्त मैलागर सिंह उनसे मिलने गया, सरदार दोस्त था, प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठा। जब प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठा ना तो वहां पर तीन भाषा में, एक उर्दू एक पंजाबी और एक इंग्लिश, तीन भाषा में सोने के फ्रेम के अंदर ये मूल मंत्र का जो जाप है ना वो फ्रेम में लगा हुआ था। उस सिख भाई से, उस सिख दोस्त से रहा नहीं गया, उसने डॉक्टर अयूब खां से पूछ लिया कि आप इस्लाम धर्म के हो लेकिन जाप आपने सिख धर्म का लगा रखा है। फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि मैं जब छोटा था पढ़ाई में कमजोर था और इस जाप को मैं करते करते इस पदवी तक पहुंच गया कि आज मैं प्रेसिडेंट हूं। और ये सच्ची घटना है, और भी बहुत सारी घटनाएं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि छुट्टी का समय हो चुका है। अब आखिरी में जो जिन्होंने पूरा साथ दिया है और जो यहाँ का पूरा मैनेजमेंट है उसका सत्कार, उनका सत्कार बीबी कौला जी पलाई के अंदर, बीबी कौला जी गुरमत सेवक जत्था गुरुद्वारा श्री गुरु नानक आश्रम कुटिया साहिब शाहजहानपुर, सारी संगत वालों सत्कार किया जाएगा। ते हुन मैं एक एक करके नाम बोलागा, उन्होंने सरोपा या शील लागे, ते जो बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा दिल्ली वाले ओ पावे हुन शरीर करके नहीं ने लेके उन्होंने वरसाए, बाबा बचन सिंह जी ओ दिल्ली विच कार सेवा कई हो जगह कराने ने, उन्होंने वरसाए बाबा गुरजंट सिंह जी नानकपुरी टांडा ओ भी इत्थे नहीं ने, हुन बाबा लखविंदर सिंह जी जो इत्थे दे जथेदार ने उन्होंने बेनती होगी आ जान। और जथेदार बाबा लखविंदर सिंह जी का सम्मान कर रहे हैं सारे जने जयकारा बुलाना जी। बोले सोनिया फिर हेड ग्रंथी बाबा पूरन सिंह जी बोले सोनिया हमारे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर जी बोले सोनिहाल, रेस्पेक्टेड वाइस प्रिंसिपल सर जी बोले
बोले सूर्य सरदार अवतार सिंह जी बोले सूर्य रिस्पेक्टेड टीचर हरसिमरन सिंह जी बोले अब सारे बच्चे जितने भी आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी मैनेजमेंट टीम, सारा स्कूल स्टाफ और जिन्होंने पूरा साथ दिया सबका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक्स। और मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आप पढ़ रहे हो ना, मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, 6 से लेकर 12 दिगन मानसथली हॉस्टल है बरेली के पास। आप छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो मैं भी वहां पर रह के पढ़ा हूँ हॉस्टल में। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपको दुनियावी पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, दुनियावी के साथ साथ आप जिस धर्म को फॉलो करते हो उस धर्म को जरूर फॉलो करो, उस धर्म को जरूर अपनाओ। अगर हिंदू हो तो पक्के हिंदू बनो, इस्लाम धर्म के हो तो पूरे पक्के मुसलमान इस्लाम धर्म में आओ, अगर सिख हो तो पक्के सिख बनो और किसी धर्म के हो तो पक्के। और जितने टीचर्स हैं उनको भी बेनती है कि आप अपने जिस समय खाली पीरियड होता है, जिस समय खाली टाइम होता है, बच्चों को जरूर अच्छी गाइड अच्छी चीजें सिखाई जाए। और जैसे आपको सर बता रहे थे, हरसिमरन जी भी बता रहे थे, अब अगला जो उपराला है ना वो जून 2020 में होगा। पिछली बार हम लोगों ने गुरुद्वारे में दिया था, बच्चे हमारे पास ज्यादा आए नहीं, 30-35 पिछली बार भी थे, 30-35 इस बार भी थे। इसलिए इन सब स्टाफ का, प्रिंसिपल सर का, वाइस प्रिंसिपल सर का, जथेदार जी का, हरसिमरन जी, पालवी जी, सबकी राय थी कि स्कूल में दिया जाए, बच्चों को और मोटिवेशनल पावर मिलेगी। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबको बेनती, आज इसे लिखना आपका होमवर्क है, आपने स्कूल में नहीं करना, जैसे आपको सर कह रहे थे आपका होमवर्क है। रोज आपने 10-15 मिनट घर जाके शैतानी नहीं करनी, कार्टून नहीं देखना, उस 15 मिनट में आपने वाहेगुरु वाहेगुरु या राम राम या अल्लाह अल्लाह या जिस धर्म को आप फॉलो करते हो किसी भी भाषा में आप लिख सकते हो। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अब सारे बोलो 5 बार वाहेगुरु 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 जी का खालसा। बोले सोनिहाल, ये मैंने आपको इश्तिहार दिया है, कई बच्चों को मिला है, ये सब टीचर्स को भेज दिए, सारे बच्चों एक एक क्लास में आप भेज देना, आप इनको बता देना क्या करना है इसके अंदर। ठीक है जी, और कोई शाहजहानपुर के पास रहता है तो अक्टूबर में हमारा सालाना समागम है 11, 12, 13 अक्टूबर, उसमें पैसे भाई कुरेज बाल सिंह जी जिनका रोज कीर्तन आता है, उन्होंने 12 अक्टूबर की रात और 13 अक्टूबर की सवेर को शाहजहानपुर कुटिया साहब में कीर्तन की हाजिरी भरनी है, जिनको मौका लगे वो जरूर आए। 12 अक्टूबर की रात 13 अक्टूबर की सुबह यहाँ पर इश्तिहार दिया जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।